एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार कानून व्यवस्था बेहतर होने की दुहाई देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ताज नगरी में दबंगों का आतंक जारी है। लगातार यहां दबंगों द्वारा दहशत फैलाने का खेल चरम सीमा पर है। इसी बानगी थाना हरि पर्वत इलाके में देखने को मिली है। यहां एक बुजुर्ग ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल इस बुजुर्ग का कहना है कि दबंगों द्वारा मेरे मकान को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लगातार शासनिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की शिकायत की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उनका ये भी कहना है कि दबंग आए दिन मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, इसी के साथ मेरे मकान को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे जान का खतरा बना हुआ है। उनकी मांग है कि पुलिस दबंगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करके उन्हें न्याय देने का कष्ट करे। इसी दौरान पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि पुलिस ने मेरे ऊपर उल्टा चैन स्नैचिंग का मुकदमा दर्ज किया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 82 साल की उम्र है। आप थाने पे आए, आपके ऊपर एक केस लगा दिया गया, काय का केस है, क्या पूरी जानकारी है? मेरे ऊपर चैन स्नैचिंग का केस लगाया, मेरी बिल्कुल पड़ोसन ने इधर देख मेरे मकान को हड़पने के लिए, वो ये चाहती है कि मैं उनको, मतलब वो मुझे तंग करती रहती है, जिसके लिए मैंने कितनी दरखास्तें दी, वो मुझे परेशान करके चाहती हैं कि मैं उनको मकान बेच जाऊं। तो मेरी उम्र जो है ये अवस्था है, कमजोर और शरीर से कमजोर हूँ, बीमारियाँ मुझको कितनी बीमारियाँ लगी हुई हैं, एक आँख से नेत्रहीन हूँ, और ये सब परेशान करके वो ये चाहती हैं। आप पे आरोप लगाया कि आप स्कूटर से आए और चैन तोड़ ले गए हरिमल चौराहे पे, तो आप स्कूटर चलाना जानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं स्कूटर चलाता हूँ, 10-10 साल से स्कूटर नहीं चलाया। मैंने कोर्ट में भी दिया है कि सब मैं जो है उस दिन मैं अपना औषधालय में, धार्मिक औषधालय में मैं अपना जो है इलाज के लिए गया था, उसका भी मैंने सर्टिफिकेट लगा दिया उनको। और यहाँ पे किस लिए आए हैं? यहाँ की कोर्ट, मैं आप लोगों की सेवा में इसलिए आया हूँ, मुझे पता लगा कि आप लोग यहाँ पे हैं, तो मैं कहा अपनी बात कह सकूँ, जिससे आप इसको बताएं कि आप सरकारी वकील होते हुए, और उसने जो है चैन स्नैचिंग के केस लगाया, और जो यहाँ FIR यहाँ पे उसने दी, उसने अपने हाथ से लिखी, उसको मने करा, एक इंक्वायरी गवर्नमेंट ने लगाई, उस इंक्वायरी में उसने मना किया कि ये मेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है। वहाँ एक लड़का मिल गया था जिससे कि मैंने लगवाई, तो मैंने उसका जवाब दिया कि लड़का वहाँ मिल गया था, उसके कोई नाम पता हो उस पर लिखा होना चाहिए था, वो भी नहीं लिखा। और उसी लेडी की, आभा अग्रवाल की, मैंने जो है एक और दरख्वास्त जो उन्होंने ADA को दी थी अपने किसी केस में, उसकी मैंने कॉपी लगा के गवर्नमेंट को भेजी। मैं कहा इन दोनों की हैंडराइटिंग बिल्कुल मिलती हुई है, और अगर आप या तो कराना हैंडराइटिंग का एक्सपर्ट से इसको, और वरना क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हैं क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस अब मैं तो ये कार्रवाई चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट सरकार ने, तो ये अदालत ने तो मुझे बिल्कुल साफ कर दिया कि साहब मैं उसमें नहीं था, निरस्त कर दिया उनका केस, हाई कोर्ट से भी उनका केस निरस्त हो गया, उसका भी ऑर्डर मेरे पास है। अब सब सवाल यही है कि मैं, मुझको इस तरह से तंग किया जा रहा है, अब भी तंग किया जा रहा है, और रोज वो परेशान करती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर सरकारी वो होते हुए, और जब ये इस तरह का सब काम कर रही हैं कि वो अपनी राइटिंग तक को मना करती हैं, और जबकि राइटिंग के लिए मैंने दूसरा लगाया हुआ है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।